गणित के छात्र अजय मोहन ऐसे बने सन्यासी, फिर सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय मोहन बिष्ट है, जो सन्यास अपना कर योगी आदित्यनाथ बन गए। छात्र जीवन में योगी आदित्यनाथ गणित के तेज तरार छात्र हुआ करते थे। आदित्यनाथ ने पहले सन्यासी और फिर राजनेता के रूप में अपनी सफल पहचान बनाई। योगी आदित्यनाथ सोमवार को न्यूज 18 नेटवर्क के दिल्ली में होने वाले राइजिंग इंडिया समिट में शामिल होंगे, जहां वो राज्य के मुद्दों पर खुलकर अपने विचार रखेंगे और राज्य को विकास के पथ पर ले जाने के लिए अपनी रणनीति के बारे में बताएंगे। इस मौके पर जानते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन और राजनीति से जुड़ी कुछ अहम बातें। 5 जून 1972 कोलन उत्तराखंड, तब उत्तर प्रदेश था, के पौड़ी जिला स्थित यमकेश्वर तहसील के पमचूर गांव के राजपूत परिवार में योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ था। 1977 कोलन टिहरी के गजा के स्थानीय स्कूल में पढ़ाई शुरू की। स्कूल और कॉलेज सर्टिफिकेट में इनका नाम अजय मोहन बिष्ट है। टिहरी के गजा स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की। इसके बाद 1989 में ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। 1990 कोलन ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हुए एबीवीपी से जुड़े। इसके बाद 1992 में कोटद्वार के गढ़वाल यूनिवर्सिटी से गणित में बीएससी की परीक्षा पास की। योगी आदित्यनाथ 1993 में एमएससी की पढ़ाई के दौरान गुरुवार गोरखनाथ पर रिसर्च करने गोरखपुर आए। यहाँ गोरखनाथ पीठ के महंत वैद्यनाथ की नज़र आदित्यनाथ पर पड़ी। इसके बाद आदित्यनाथ 1994 में सांसारिक मोहमाया त्याग कर पूर्ण सन्यासी बन गए, जिसके बाद अजय मोहन बिष्ट का नाम योगी आदित्यनाथ हो गया। राजनीतिक जीवन 1998 में योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। तब उनकी उम्र महज 26 साल थी। इसके बाद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से दोबारा सांसद चुने गए। योगी आदित्यनाथ ने अप्रैल 2002 में हिंदू युवा वाहिनी बनाई। हिंदू वाहिनी बनने के बाद 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने तीसरी बार चुनाव में जीत दर्ज की। 7 सितंबर 2008 में सांसद योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में जानलेवा हमला हुआ था। इस हमले में वे बाल बाल बच्चे थे। इसके बाद 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में मोदी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ने 5वीं बार गोरखपुर से चुनाव लड़ा और एक बार फिर से 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर सांसद चुने गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था। इसके बाद 2015 में यूपी की 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। इसमें योगी आदित्यनाथ से पार्टी ने काफी प्रचार कराया, लेकिन परिणाम कुछ खास नहीं रहा। 2017 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने एक बार फिर योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताया और पूरे राज्य में प्रचार कराया, जिसके परिणाम स्वरूप बीजेपी ने यूपी में प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की। 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुनकर मुख्यमंत्री बना दिया गया। 20 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।